हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहल और मेरी किचन यानी कि किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मसाला पूरी की रेसिपी। आप इसे तीखी पूरी भी कह सकते हैं। आप इसे चाय के साथ खाएं, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, ये पूरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मसाला पूरी या तीखी पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप की मदद से 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहे तो किसी भी कटोरी या कप का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हथेलियों पे घिस के अजवाइन को डाल दिया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छी तरह से उतरे। यहीं पर हम डाल देंगे 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। यहीं पर डाल दें 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे 1/4 छोटे चम्मच हींग। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है। यहीं पे डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा पाउडर। और यहीं पे हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर। और ये देखिए, ये सारे सूखे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। और यहीं पे अब हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये जो सारे मेजरमेंट है मैंने मेजरिंग स्पून की मदद से मेजर करके लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल हमारे जो स्पून होते हैं उसके मेजरमेंट से भी इसे डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो ये सूखे मसाले और तेल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसका आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लें। हम रोटी या चपाती के लिए जिस तरह से आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें यहाँ पे लगाना है। तो एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसका आटा लगाएं। तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप पानी का इस्तेमाल करना होगा हमें आटा लगाने के लिए। तो इस तरह से हथेलियों की मदद से इसे अच्छी तरह से गूंथते हुए इसका एक अच्छा सा डो बना ले। तो ये देखिए, ये जो हमारा डो है वो अब रेडी है। आप चाहे तो इसे रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 छोटा चम्मच तेल। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 15 से 20 मिनट के लिए आप चाहे तो यहाँ पे रेस्टिंग के लिए भी रख सकते हैं डो, या फिर आप डायरेक्टली पूरी बना सकते हैं। तो ये जो हमारा डो है अब पूरी तरह से रेडी है। और देखिए, मैंने ये आटा जो है वो थोड़ा सख्त ही लगाया है। नॉर्मल हमारे रोटी या चपाती का आटा होता है उससे ये थोड़ा सख्त ही है। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो आप पेड़े उस हिसाब से बनाएं जिस हिसाब से आपको पूरियाँ चाहिए। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा बड़ी पूरियाँ चाहिए तो आप थोड़ा सा मीडियम साइज़ का डो बनाएं, या अगर आपको छोटी पूरियाँ चाहिए तो आप छोटे छोटे पेड़े इसके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हथेलियों की मदद से पेड़े बना के रख दिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसके डो बॉल्स या पेड़े बना के अच्छी तरह से रख दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है इसके पेड़े। और आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सारे पेड़े बना के रख दिए हैं। ये देखिए, इस तरह से एकदम परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है इसमें। तो अब चलते हैं हम पूरी बेलने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने ये एक डो का बॉल ले लिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तो तेल डालने से क्या होता है, जब हम हमारी पूरी बेलेंगे तो पूरी बेलने में बहुत ही आसानी होती है और वो बेस में चिपकती भी नहीं है। अगर आप यहाँ सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी बेलते समय कढ़ाई में वो सूखा आटा जो है वो नीचे सेटल डाउन होने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे पूरी बेलते समय सूखे आटे का इस्तेमाल ना करें, आप यहाँ पे तेल का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी बेल लेना है। ना इसे ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे तो हमारी जो पूरी फूलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से हमें सारी पूरी बेल लेनी है। ये देखिए, इस तरह से इसकी थिकनेस थोड़ी सी रखना है हमें, एकदम पतली पतली पूरियाँ नहीं बेलनी है। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये पूरियों को बेल लिया है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये सारी पूरियाँ बेल के तैयार कर ली है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने की प्रोसेस में।
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब तेल गरम है या नहीं ये चेक करने के लिए हम एकदम छोटा सा डो बॉल इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा सा डो बॉल डाल दिया। आप देख सकते हैं कि ये तरंग के ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि जो हमारा तेल है वो अब अच्छी तरह से गर्म है। और अब हम इसमें डाल देंगे पूरियाँ। तो यहाँ पे ये एक पूरी को लिया मैंने और इसे बहुत ही सावधानी से कढ़ाई के साइड से इस तरह से कढ़ाई में डाले और इसे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दे। इससे क्या होगा कि जो हमारी पूरी है वो बहुत ही आसानी से फूल के ऊपर आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि हमारी एकदम परफेक्ट पूरी बन के तैयार है। और इसे तुरंत ही निकाल ले। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है, आप चाहे तो इसे मीडियम हाई या फिर हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये दूसरी पूरी डाली, इसे इस तरह से साइड से तेल डाला इसके ऊपर और इसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दिया। आपकी पूरी जो है एकदम परफेक्टली फूल जाएगी इस प्रोसीजर से। तो मैंने जिस तरह से प्रोसेस फॉलो की है उसी तरह से आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपकी जो पूरियाँ है वो 100% फुली बनेगी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये तीसरी पूरी भी डाल दी है। पूरी को आप तेल में डालते समय बहुत ही सावधानी बरतें क्योंकि यहाँ पे तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और सेम प्रोसीजर फॉलो करके इसे भी फ्राई कर लें। तो ये देखिए ये तीसरी पूरी भी हमारी एकदम परफेक्ट फूल के तैयार है। और इसी तरह से मैंने ये सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी पूरियाँ बहुत ही परफेक्ट और सारी पूरियाँ फूली बनी हैं। एक भी पूरी बिल्कुल भी फूली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने इसे आम के अचार के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं, लंच के लिए बनाएं या स्नैक्स के लिए बनाएं, या फिर आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाएं। सारे तरह से ये पूरी की रेसिपी एकदम परफेक्ट है। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा ये पूरी बनाने में और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।